पूरी तो हम सभी अपने घर में बनाते ही हैं, लेकिन आज हम कोई नॉर्मल पूरी नहीं बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं साबूदाने की पूरी, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे, उसमें एक बोल साबूदाना डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि साबूदाना इस तरह से थोड़ा फूल जाएगा। और अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम एकदम फाइन पीस लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह आपको इसे पीसना है। और इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक उबला आलू, जो बाइंडिंग का काम करेगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च, और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे एक बहुत ही बढ़िया डो आपको तैयार करना है। डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छी तरह से गूंथ लीजिएगा डो को, तभी आपकी पूरी अच्छे से फूलेगी। और सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अच्छा, ठीक से अगर बाइंडिंग नहीं आ रही हो तो आप इसमें 1/2 आलू और डाल लीजिएगा। और इस तरह से लोई बनाएंगे और पूरी की तरह बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा मत बेलिएगा। ये पूरियाँ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो व्रत में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और पूरी मैंने बेल ली है, तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। और इसे मैं आज आलू की बिना लहसुन प्याज की सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं रेसिपी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और पूरी तल चुकी है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप व्रत में भी अब आप अच्छा खाना पेट भर कर खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।